चलिए, तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है कि एवरीबडी इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एन एक्ट और ओमिशन विच ही कैन फोरसी वुड इंजर हिज नेबर। द नेबर फॉर दिस पर्पस इज एनी पर्सन हु हिम शुड हैव इन हिज माइंड एज लाइकली टू अफेक्टेड बाय हिज एक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल हम समझ चुके हैं कि प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। तो फैक्ट्स देखते हैं कि फैक्ट्स कह रहा है कि कृष्णन वाइल ड्राइविंग अ कार एट हाई स्पीड इन क्राउडेड रोड नॉक डाउन अ साइक्लिस्ट। कृष्णन जो है वो एक क्राउडेड रोड पे बहुत ही तेजी से क्या चला रहा था, अपनी कार चला रहा था, और कार चलाते चलाते उसने एक साइक्लिस्ट को नॉकडाउन कर दिया। किसको नॉकडाउन कर दिया? एक साइक्लिस्ट को नॉकडाउन कर दिया। ठीक है, द साइक्लिस्ट डाइड ऑन द स्पॉट विद अ लॉट ऑफ ब्लड स्पिलिंग अराउंड। और जो साइक्लिस्ट है वो क्या हुआ, साइक्लिस्ट की डेथ हो गई और बहुत सारा खून क्या हुआ, बहुत सारा खून जमीन पर फैल गया। लक्ष्मी अ प्रेग्नेंट वुमेन पासिंग बाय सफर्ड फ्रॉम अ नर्वस शॉक लीडिंग टू अबॉर्शन। और लक्ष्मी क्या थी, लक्ष्मी एक पासिंग वुमेन थी, वहां से निकल रही थी जो कि प्रेग्नेंट थी। ठीक है, और उसने जब वो बहुत सारा खून और एक्सीडेंट देखा तो उसे एक नर्वस शॉक आया जिसके कारण क्या हुआ, उसका अबॉर्शन हो गया। ठीक है, उसके अंदर जो बेबी था उसकी डेथ हो गई। ठीक, लक्ष्मी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट कृष्णन क्लेमिंग डैमेजेस। तो लक्ष्मी ने क्या किया, लक्ष्मी ने सूट फाइल किया अगेंस्ट कृष्णन फॉर डैमेजेस। ठीक है, डैमेजेस क्लेम करने के लिए उसने सूट फाइल किया। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कृष्णन विल बी लाइबल बिकॉज ही ओड अ ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर टू एवरीबडी ऑन द रोड इंक्लूडिंग लक्ष्मी। बी बोल रहा है कृष्णा विल नॉट बी लाइबल बिकॉज ही कुड नॉट हैव बी फोरसीन लक्ष्मी सफरिंग फ्रॉम नर्वस शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्ट। सी बोल रहा है कृष्णा विल बी लाइबल टू लक्ष्मी बिकॉज ही फेल्ड टू ड्राइव केयरफुली। और डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो हमने पहले भी बात करी थी कि नेबर कौन होता है, नेबर वो होता है जिसके बारे में हमें पता है कि आपके माइंड में है कि हु इज लाइकली टू गेट अफेक्टेड, हु इज लाइकली टू गेट अफेक्टेड इज अ नेबर। ठीक, लेकिन क्या यहाँ पे आप रीजनेबली फोर्सी कर सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंट होगा, वहां से एक प्रेग्नेंट वुमेन निकल रही होगी, वो उसे देख लेगी और वो जब इतना सारा खून देखेगी तो उसे एक नर्वस शॉक आएगा और उसका अबॉर्शन हो जाएगा। क्या आप ये रीजनेबली, मतलब कोई भी एक प्रूडेंट इंसान रीजनेबली ये चीज फोर्सी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये चीज जो है, मतलब लक्ष्मी जो है वो उसकी अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल वो उसकी क्या नहीं होगी, वो उसकी नेबर नहीं होगी। ठीक, वो उसकी नेबर नहीं होगी। तो जब हम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं इस पे तो हम देखते हैं कि ये उसकी नेबर में नहीं आएगी। ठीक है, ये एक रीजनेबली फोर्सीन नहीं है ये जो इंस्टेंस है कि भाई कोई लड़की या कोई औरत वहां से निकल रही होगी जिसके साथ ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है कि क्या कह रहा है कि कृष्णा विल नॉट बी लाइबल बिकॉज ही कुड नॉट हैव फोरसीन लक्ष्मी सफरिंग फ्रॉम नर्वस शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का प्रिंसिपल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 का प्रिंसिपल कहता है कि प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस एक्सेप्ट द प्रिपरेशन ऑफ सम स्पेशल ऑफेंसेस। ये कह रहा है कि भाई प्रिपरेशन जो होती है ना वो ऑफेंस नहीं होती। किसी भी ऑफेंस को करने की जो प्रिपरेशन होती है वो अपने आप में ऑफेंस नहीं होती है, एक्सेप्ट सम स्पेशल ऑफेंस। कुछ स्पेशल ऑफेंसेस होते हैं जिनकी प्रिपरेशन भी क्या होती है, जिनकी प्रिपरेशन भी आपकी ऑफेंस में आती है। ठीक, तो जैसे कि सपोज करिए कि आप मेरा मर्डर करना चाहते हैं। ठीक, आपने सोचा कि आप मेरा मर्डर करेंगे, आपने प्रिपरेशन करनी चालू की। ठीक, आप गए, आपने एक गन खरीदी। ठीक, गन खरीद के आपने उसमें बुलेट्स डाली, बुलेट्स डालने के बाद आपने उसे लोड किया, लोड करने के बाद आपने उसको अपनी पॉकेट में रखा और आप मेरी तरफ आने लगे, आप मेरे सामने आके खड़े हो गए, आपने मेरे सामने मेरे तरफ गन पॉइंट कर दी। यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आप प्रिपरेशन में ही हैं। काय में है, प्रिपरेशन की स्टेज में ही है। ठीक, एज सून एज आप ट्रिगर दबाओगे, जैसे ही आप ट्रिगर दबाओगे और गोली आकर के मुझे लगेगी नहीं लगेगी वो बात की बात है, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे,
जैसे ही आप ट्रिगर दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, अब वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा कि एक फेलियर होगा वो बात की बात है, ठीक है, वो बाद में डिपेंड, बाद में देखा जाएगा कि भाई अटेम्प्ट सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर जब तक आपने ट्रिगर नहीं दबाया तब तक आप किस स्टेप पे हो, आप प्रिपरेशन की स्टेप पे हो। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन ऑफेंस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप गन का ट्रिगर दबा देंगे और उसमें से बुलेट निकल जाएगी, तो अगर बुलेट निकल गई तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, एक बार गोली निकल गई आप उसे रोक नहीं सकते। ठीक है, वो या तो जाकर के सामने खड़े हुए आदमी को लगेगी या नहीं लगेगी, वो बात की बात है। ठीक, तो अटेम्प्ट होगा नहीं होगा, अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा, अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो वो ऑफेंस हो जाएगा, अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो अटेम्प्ट टू कमिट सच एंड सच ऑफेंस हो जाएगा। तो बेसिकली, तो जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिपरेशन आपकी ऑफेंस में नहीं आएगी। ठीक, और कुछ ऐसे स्पेशल ऑफेंसेस होते हैं जिनकी प्रिपरेशन भी क्या होती है, जिनकी प्रिपरेशन भी आपकी ऑफेंस होती है। चलिए तो फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि रमेश कीप्स पॉइजन्ड हलवा इन हिज हाउस। रमेश क्या करता है, जहर मिला हुआ पॉइजन मिला हुआ हलवा अपने घर में रखता है। ठीक है, तो रमेश भैया ये जहर मिला हुआ हलवा अपने घर में रखते हैं, और इनका इंटेंशन क्या है उस जहर रखे मिले हुए हलवे से, कि ही विश टू किल बिनॉय हुम ही इनवाइटेड टू अ पार्टी। तो बिनॉय जिसको इन्होंने एक पार्टी में अपने घर पे इनवाइट किया है, ठीक है, बिनॉय इनको, इनके कोई फ्रेंड रहे होंगे जिन्होंने इनको, ठीक है, जिन्होंने इन्हें, जिनको इन्होंने अपने घर पे एक पार्टी में इनवाइट कर रखा है, ठीक है, उन्हें मारने के लिए एक ये जहर मिला हुआ हलवा अपने घर पे रखते हैं। ठीक, एंड टू हुम ही विशेस टू गिव इट, और ये उन्हें वो हलवा देकर के मारना चाहते हैं। अननोन टू रमेश, ठीक, अननोन टू रमेश हिज ओनली सन टेक्स द हलवा एंड डाइज। अननोन टू रमेश हिज ओनली सन टेक्स द हलवा एंड डाइज। भाई रमेश को पता भी नहीं चलता है, और उसका इकलौता लड़का जो होता है, उसका ओनली सन जो होता है, वो क्या करता है, वो उस जहर मिले हुए हलवे को खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। इन दिस केस, ठीक, इन दिस केस, ठीक, अब आप बताइए कि इस केस में क्या होगा। ठीक, क्या रमेश इज लाइबल फॉर द मर्डर, या फिर ही इज नॉट लाइबल फॉर मर्डर सिंस इट इज अ प्रिपरेशन अलोन, सी ही इज लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, डी नन ऑफ दीज। ठीक, तो देखिए यहाँ पे उसकी इंटेंशन किसे मारने की है, यहाँ पे उसकी इंटेंशन है बिनॉय को मारने की। ठीक है, यहाँ पे उसकी इंटेंशन किसे मारने की है, बिनॉय को मारने की, लेकिन मर कौन जाता है, उसका खुद का इकलौता बेटा मर जाता है। तो क्या उसकी इंटेंशन बिनॉय को मारने की थी, नहीं, तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मर्डर में इंटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, जब तक आपकी क्या नहीं होगी, जब तक आपकी इंटेंशन नहीं होगी तब तक आप क्राइम कमिट कर ही नहीं सकते, और अगर बिना इंटेंशन के आपने क्राइम कमिट किया है तो क्राइम होता ही नहीं है। ठीक, तो ये मर्डर नहीं होगा, तो वो भाई साहब लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रिपरेशन करी थी, उन्होंने किसी को अटेम्प्ट नहीं किया हलवा देने का। अगर वो ले जाकर के हाथ से किसी को हलवा देते, खिलाते, तब वो लायबल होते। ठीक है, वो किसी और चीज के लिए लायबल हो सकते हैं, नेगलिजेंस के लिए लायबल हो सकते हैं, बहुत सी और भी चीजें हैं जिसके अंडर वो लायबल हो सकते हैं, पर यहाँ पे मर्डर के लिए हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से वो लायबल नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, चलिए तो 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जिनके मीनिंग या तो सर्टेन नहीं है या इस लायक नहीं है कि उन्हें सर्टेन बनाया जाए। ठीक है, आइदर दे आर नॉट केपेबल और दे आर नॉट Either they are not certain or they are not capable of being certain, then those agreements are void in the eyes of law. Void in the eyes of law. ठीक है, तो भाई ऐसे agreement जो खुद अपने आप में जिनके terms certain नहीं है या इस लायक नहीं है, इस capable नहीं है कि उन्हें certain बनाया जाए, तो ऐसे agreement क्या होंगे, ऐसे agreement void होंगे in the eyes of law. ठीक, फैक्ट क्या कह रहा है कि अ हॉर्स वॉज बॉट फॉर अ सर्टेन प्राइस कपल्ड विद अ प्रॉमिस टू गिव रुपीज 500 मोर इफ द हॉर्स प्रूव्ड लकी। एक घोड़ा
बेचा गया और खरीदा गया 500 रुपए में, और उसके साथ एक प्रॉमिस ऐड किया गया कि अगर ये घोड़ा लकी प्रूव होता है तो 500 रुपए एक्स्ट्रा उस घोड़े के मालिक को दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, लक, ठीक, लक की जो डेफिनेशन है ना वो सेलर के हिसाब से कुछ और है, बायर के हिसाब से कुछ और है, ठीक है, आपके हिसाब से कुछ और है, मेरे हिसाब से कुछ और है, तो लक की डेफिनेशन पूरी अलग है। ठीक, मान लीजिए वो घोड़ा खरीदने के बाद पहले ही दिन उसे 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो सेलर तो यही बोलेगा कि दिस हॉर्स प्रूव्ड लकी फॉर यू, लेकिन डे आफ्टर उसे क्या हो जाता है, 20,000 का लॉस हो जाता है, तो बायर क्या बोलेगा, ओ दिस हॉर्स इज प्रूविंग अनलकी फॉर मी। तो लक की डेफिनेशन कैसी है, क्या है लक की डेफिनेशन, और जब वो लकी प्रूव होने की बात कर रहे हैं तो किस तरीके की लक की बात कर रहे हैं, गुड लक की बात कर रहे हैं या फिर बैड लक की बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या ये चीजें सर्टेन हैं और क्या इन्हें सर्टेन बनाया जा सकता है, नहीं, लक की डेफिनेशन हर इंसान के हिसाब से अलग भी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट, दूसरा बोल रहा है दिस एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हाट लक बैड और गुड द हॉर्स हैज ब्रॉट टू द बायर। सी बोल रहा है द एग्रीमेंट इज पार्शियली वैलिड एंड पार्शियली वॉइड, और डी बोल रहा है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्लैट 2012 के क्वेश्चन पेपर में भी आया है और ये एक आध क्वेश्चन पेपर में और हमें मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा है पर 2012 का तो मुझे याद है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दिस एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हाट लक बैड और गुड द हॉर्स हैज ब्रॉट टू द बायर। गेटिंग इट, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रिंसिपल, मियर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं होती है, ये हम बहुत बार, ये क्वेश्चन भी हम कम से कम 3-4 बार कर चुके हैं कि मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं होती है। ठीक, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि जो इंसान, ठीक है, जो इंसान चुप है उसकी ड्यूटी थी, ठीक है, उसकी ड्यूटी थी बोलने की, द पर्सन कीपिंग साइलेंस हैज अ ड्यूटी टू स्पीक, और वो नहीं बोलता है, ठीक है, और अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, या फिर उसकी जो साइलेंस है वो खुद ही अपने आप में स्पीच के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर वो लाइबल होगा, है ना। लेकिन अगर मियर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड, अगर मियर साइलेंस है, ठीक है, ऐसी चीजों को, ऐसे फैक्ट्स को लेकर के जो कि क्या कर सकती हैं, जो कि सामने वाले की विलिंगनेस को अफेक्ट कर सकती हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट फ्रॉड। ठीक है, चलिए, तो ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड, ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्सेस अनसाउंडनेस। क्या होता है कि ए ऑक्शन से बी को एक घोड़ा बेचता है, ए ऑक्शन से बी को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में ए को ये पता होता है कि ये घोड़ा कैसा है, ये घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, ये पागल घोड़ा है, और वो क्या करता है, वो बी को उस घोड़े की अनसाउंडनेस के बारे में, उस घोड़े की इंसैनिटी के बारे में, उस घोड़े के पागलपन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। क्या करता है, उस घोड़े के पागलपन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो क्या होगा, देखिए अब आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी कर चुके हैं। ठीक, चलिए, तो देखिए अब आप इसमें से देखिए जरा जल्दी से कि कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से देखिए आप, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, ए कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर फ्रॉड, क्या उसे फ्रॉड के लिए लाइबल कर सकते हैं, लेकिन यहां तो बोल रहे हैं कि मियर साइलेंस जो है वो फ्रॉड के लिए अमाउंट नहीं होती। ही कैन बी मेड लाइबल फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन की यहाँ कहीं बात ही नहीं हो रही है। ए कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल बिकॉज ही डिड नॉट से एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट द साउंडनेस ऑफ हॉर्स, देखिए ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, उसने बोला चाहे ना बोले, यहाँ पे उसके साइलेंस की बात हो रही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा कि ए कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल बिकॉज इट इज द बायर हु मस्ट बी अवेयर ऑफ द
थिंग्स, ठीक है। ए को हम लाइबल नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि उसने ना अनसाउंडनेस के बारे में कुछ बोला, उसने मना तो किया ही नहीं, उसने तो ये भी नहीं बोला कि ये घोड़ा साउंड माइंड का है, उसने तो बेचा, आपने खरीद लिया। आपको जब आप खरीद रहे हैं तो आपको जांच परख के खरीदना चाहिए, आपको पूछना था इज दिस हॉर्स ऑफ साउंड माइंड ठीक है और नॉट, ठीक, ये सारी चीजें आपको कन्फर्म करके खरीदनी चाहिए थी, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका ट्रेसपास टू गुड्स का क्या है, ट्रेसपास टू गुड्स का आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक।